हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एंड प्लेग्राउंड। हे गाइस, देखो आज कुछ मुझे एक नया नोटिस देना आप लोगों को। पहला बात ये नोटिस देना है कि आप लोग सबसे पहले फिजिक्स इन प्लेग्राउंड ऐसे करके आप लोग जाइए फेसबुक में, और फेसबुक पे आप लोगों को पेज मिलेगा। इस पेज को सर्च कीजिएगा, कहाँ पे? फेसबुक पे। ये पेज को सर्च कीजिएगा और इस पेज पे जा कर के आप लोगों को एक कैची मिलेगा, एक शेड्यूल मिलेगा, और वो शेड्यूल होगा आप लोगों का जो मैं ये टेस्ट आप लोगों को डालता हूँ। तो ये जो टेस्ट का जो शेड्यूल है, तो वो आप लोगों को मिल जाएगा कहाँ पे? फिजिक्स इन प्लेग्राउंड FB का फेसबुक पे एक पेज है फिजिक्स इन प्लेग्राउंड के नाम से। अभी अभी क्रिएट हुआ है, कुछ दिन हुआ इसका, इसलिए कर दिया क्योंकि देखो बार बार लेक्चर बनाना, वीडियो जैसे अभी मुझे ये शूट करना पड़ रहा आप लोगों को एक नोटिस देने के लिए कि देखो भैया शेड्यूल ऐसा ऐसा है, इस तारीख को ये आएगा, इसका ये आएगा शेड्यूल। यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट, ये जो मैं टेस्ट डालता हूँ उसके उसका शेड्यूल है। तो उसके लिए अब लेक्चर नहीं बनाऊँगा, बार बार लेक्चर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बार बार वीडियो ओपन करो। और मुझे भी उतना बहुत दिक्कत हो जाता है, रिकॉर्डिंग करो फिर काट ओड एडिटिंग वोडिटिंग बहुत दिक्कत होता है, इसलिए फेसबुक पेज पे मैंने पेज बना दिया फेसबुक पे। तो फिजिक्स इन प्लेग्राउंड पे पहले जाओ, जाइए पेज है, और उस पेज पे एक लाइक बटन दबा देना। उससे क्या होगा कि कुछ भी वहाँ का नोटिस डालूंगा या कुछ भी डालूंगा तो वो सीधे इसका सीधे आप लोगों के पास पहुँच जाएगा, डायरेक्ट पहुँच जाएगा आप लोगों का। तो पहले तो लाइक बटन दबा दीजिएगा, क्लियर है? और शेड्यूल देख लीजिएगा और शेड्यूल उसे लिख लीजिएगा, क्लियर है? शेड्यूल लिख लीजिएगा, थोड़ा सा देखिए अच्छा खासा शेड्यूल पे मेहनत है, मेहनत करना पड़ेगा। विदाउट हार्ड वर्क सक्सेस तो मिलने से रहा, क्योंकि बोलते हैं ना हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, तो बस वही है, हार्ड वर्क जरूरी है। तो शेड्यूल जाके देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और दूसरा बात कि पहले आप लोगों का जेई मेन्स का एग्ज़ाम कब है वो थोड़ा सा मुझे बता देना कि जेई मेन्स का कब एग्ज़ाम, क्योंकि इसके 10 दिन पहले मुझे अच्छा खासा आप लोगों को रिविज़न के साथ प्रैक्टिस करवा देना है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए आप लोग हम मुझे बता दीजिएगा कि जेई मेन्स का एग्ज़ाम कब से कब तक होगा। मतलब जैसे कि 6 से टोटल 4 शिफ्ट में हो रहा है, 4 या 8 शिफ्ट में होगा, तो किसी एक शिफ्ट में आप लोगों का होगा, तो उसके बीच का डेट बता दीजिएगा कि 10 से 11 के बीच में मे भी आप लोगों का हो, क्लियर है? तो वो बता दीजिएगा कब होगा आप लोगों का जेई मेन्स का एग्ज़ाम। और दूसरा, नीट वालों का तो मालूम है कि 5 मई को नीट है और 25 या 26 को एम्स का एग्ज़ाम होगा, और 4 या 3 जून को जिपमर का एग्ज़ाम होगा, तो वो क्लियर है, पर जेई मेन्स का क्लियर नहीं है कब क्या होगा। तो बता दीजिएगा अपना जेई मेन्स का कब है टेस्ट, और शेड्यूल थोड़ा देखिएगा और उसे लिख लीजिएगा। मैंने उसमें 3 मॉक टेस्ट डाल दिया है, 3 मॉक टेस्ट है उसमें, तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा उसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री सिर्फ और रहेगा, और ये 90 क्वेश्चंस के होंगे। 60 क्वेश्चन होता है जेई मेन्स पे, पर ये 90 क्वेश्चन हो गए और अच्छे लेवल के होंगे। और पूरा का पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने फिनिश करवा दिया है 21 या 22 या 23 24 तारीख तक, 21-22 तारीख तक पूरा का पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री क्लियर है। तो कब क्या आप लोगों को अपलोड होगा, कब क्या मिलेगा, तो वो शेड्यूल वहाँ पर मिल जाएगा फिजिक्स इन प्लेग्राउंड के पेज पर। कहाँ पर? फेसबुक के पेज पे चले जाइएगा, तो लाइक एक बटन होगा थंबनेल करके, उसे दबा दीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जिसको बन अपने फ्रेंड को उसमें ऐड कर सकते हैं आप लोग। इसलिए मैंने खुला छोड़ दिया है क्योंकि कोई भी ऐड कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ से हम लोगों को मालूम चलेगा स्टूडेंट के बारे में, क्लियर है? वहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज करेंगे, इसलिए मैंने खुला छोड़ दिया है आप लोगों के लिए कि आप लोग खुद से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। यही नोटिस था कि शेड्यूल है, थोड़ा शेड्यूल जाके देख लीजिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, फेसबुक पेज पे फिजिक्स इन प्लेग्राउंड सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। और जेई मेन्स का प्लीज़ जेई मेन्स का अपना डेट थोड़ा बता देना कि कब होगा कब नहीं एग्जाम। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।